स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी भाषा कलर्स पार्ट 3। गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 8 चिल्ड्रेन, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द नेक्स्ट आंसर्स एंड एक्सरसाइज ऑफ लेसन 1 वरदान इन दिस थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो। नाउ आई विल से दिस नंबर 5। दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सुख भरे क्षणों में नतमस्तक हो तेरे दर्शन कर सकूं, किंतु दुख भरी रातों में जब सारी दुनिया मेरा उपहास करेगी तब मैं संकित न हूं, यही वरदान चाहता हूं। कविता और कवि का नाम लिखो। कविता का नाम वरदान, कवि के नाम रविंद्रनाथ टैगोर। कवि ने ईश्वर के प्रति अपना अटूट विश्वास कैसे प्रकट किया है? आंसर, मनुष्य प्रायः सुख मिलने पर ईश्वर को विस्तृत कर देता है, लेकिन सुख के प्रत्येक क्षण में भी ईश्वर को याद रखना चाहता है और ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना चाहता है। नेक्स्ट नंबर, अंत में कवि ने ईश्वर से क्या विनती की है? आंसर, कवि ने ईश्वर से विनती की है कि वे उसे वरदान दें कि सारी दुनिया का उपहास झेलकर भी वो अपनी योग्यता पर संकित न हो। कंप्लीट दिस नंबर। द नेक्स्ट शब्द संपदा या वोकैबुलरी एक्सरसाइज। नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों के लिए कविता से विलोम शब्द छांट कर लिखिए। फर्स्ट 1, निडर भयभीत या डर, देन पराजय विजय या जय, देन अस्वीकार स्वीकार, देन इष्ट अनिष्ट, अपूर्ण पूर्ण, सुख दुख। देन नेक्स्ट पेज नंबर 5, दिस नंबर 2, निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए जिसका मस्तक झुका हुआ हो। आंसर, नतमस्तक। किसी की खिल्ली उड़ाना, आंसर उपहास। धीरज बंधना, आंसर सांत्वना। जिसके बस में कुछ ना हो अवश्य। डांट फटकार करना या बुरा भला कहना प्रताड़ना। ये है आंसर्स। देन नेक्स्ट पाठाधारित व्याकरण। नंबर 1, निम्नलिखित वर्ण विच्छेद से शब्द बनाकर लिखिए। हलंत प प्लस हलंत र प्लस अ प्लस हलंत प्लस आ प्लस हलंत र प्लस अ प्लस हलंत ण प्लस आ इज इक्वल प्रतारणा। ये आंसर है प्रतारणा। देन हलंत भ प्लस आ प्लस हलंत स प्लस आ ये आंसर है भाषा। देन हलंत व प्लस ई हलंत प प्लस अ हलंत प्लस ई प्लस हलंत य प्लस ओम आंसर है विपत्तियों। देन आ हलंत स प्लस बड़ी प्लस हलंत र प्लस हलंत व प्लस आ प्लस हलंत द प्लस अ आंसर है आशीर्वाद। देन नेक्स्ट हलंत स प्लस अ प्लस हलंत वंग प्लस हलंत क प्लस ई प्लस हलंत प्लस अ आंसर है संकित। देन दिस नंबर, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति गुण भाव अवस्था आदि का पता चलता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कविता से छांट कर 5 भाववाचक संज्ञा शब्द लिखिए। आंसर, संकेत उपहास प्रार्थना दर्शन सुख। देन दिस नंबर, द्वित एवं संयुक्त व्यंजनों वाले 5 शब्द लिखिए। क द्वितीय व्यंजन। आंसर, विपत्ति उन्नति समान उल्लास सज्जन। देन नेक्स्ट संयुक्त व्यंजन, जिस तरह रक्षा वैसे ही भिक्षा क्षीण परिश्रम प्रतिज्ञा आत्मत्राण। देन नेक्स्ट पेज
कविता में प्रयुक्त पांच पांच ऐसे शब्द छांटिए जिनमें अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रयोग किया गया है। फर्स्ट अनुस्वार, सांत्वना, अंतर, संकट, संकेत, किंतु। द नेक्स्ट वन अनुनासिक, हूं, मांगता, पाऊं, सकूं, रहूं। ये है आंसर। नाउ कंप्लीट, फुल्ली कंप्लीट दिस चैप्टर्स। Now, everybody, write the question answer in your school's Hindi copy. Thank you.